भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी और पदाधिकारी सोमवार को महिला चिकित्सालय में कर्मचारी हितों के संबंध में हाथों में तख्तियां लेकर बैठक किया, जिसके संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्ग विजय ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी और पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन करने, सेवानिवृत्ति में असमानता, निजीकरण सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा, दुर्ग विजय जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर, आज इप्सिस के आह्वान पर पूरे भारत में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज 9 अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत गुलाम था, उस समय आंदोलन चलाया गया था और वह क्रांति आदरणीय महापुरुष बापू जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन था उस समय, चूँकि उस समय दूसरी विश्व युद्ध चल रहा था और 1942 से 1945 के तक ये कार्यक्रम चला था और उसमें हम लोगों को आज़ादी मिली। उसी के तहत जो आज हम लोग जंजीरों से जकड़ चुके हैं, जैसे नई स्कीम पुरानी पेंशन व्यवस्था को छोड़ करके नई स्कीम में ला दिया गया है, नई पेंशन योजना में ठेकेदारी प्रथा ला दी गई है, जो हमारे आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही हैं, जो गवर्नमेंट के सारे सिस्टम को छोड़ करके ठेकेदारी प्रथाओं को, तो उसी के तहत आज हम लोग भारत छोड़ो नारे के तरह की नई पेंशन स्कीम, भारत छोड़ो पुरानी पेंशन लागू किया जाए, ठेकेदारी प्रथा भारत छोड़ो रेगुलर कर्मचारी किया जाए, इसी के तहत पूरे भारत में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और आज उसी के क्रम में जो इप्सिस के आह्वान पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में आज जनपद गोरखपुर में कार्यक्रम चलाया गया है। आज महिला अस्पताल में हम सारे लोग उपस्थित हैं, जनपद के सभी पदाधिकारी, उसी के तहत आज सारे कार्यक्रम संपन्न किए जनपद के सभी विभागों।